ठीक पंडित जी। देखिए, थाना सूरजपुर में 10 जुलाई को एक सूचना मिली थी कि एक महिला की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस वहां पहुंची और ये बताया गया कि इस महिला ने आत्महत्या की है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया वहां एविडेंसेस थे उससे ऐसा लग रहा था कि इसका मर्डर हुआ है। और इस मर्डर को वर्कआउट करने के लिए इंस्पेक्टर सूरजपुर की टीम पूरी तरह से लग गई। चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर था तो इसके जो क्लूज थे वो बहुत जल्दी मिल नहीं रहे थे, और इसको बेसिकली इस महिला को इसके अपनी मदर ने, उसकी अपनी माँ और उसका अपनी बहन का हस्बैंड, इन दोनों ने मिलकर के उसकी संपत्ति के लालच में उसकी हत्या की थी। हम लोगों ने सारे एविडेंस और जो भी चीज़ें वो मिली हैं इसके आधार पर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। और ये जो मृतका का अपना बहनोई है, अपनी बहन का हस्बैंड है, वो हमारे उसको गिरफ्तार किया गया है, जो माँ है उसको गिरफ्तार किया गया है। और इनके कब्जे से जिस लाठी से गला दबा करके उसकी हत्या की गई थी वो भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। कुछ और भी वहाँ पे ब्लड स्टेंस जिस कपड़ों पे थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रिकवर की है। तो पूरा का पूरा एविडेंस हम लोगों ने हत्या कैसे की गई थी सर, और कितनी संपत्ति थी? लाठी से गला दबा कर हत्या की गई थी। और बेसिकली इसकी जो लालच थी दोनों की वो ये थी कि ये जो महिला है इसके पास लगभग 40-50 लाख रुपए अकाउंट में है, और उसके पास दो बिल्डिंग है, तो उसके हस्बैंड के डेथ के बाद ये बिल्डिंग इनके पास आ जाए, और इसी के चक्कर में इन लोग